और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक्सटोर्शन बॉन्ड है। ये सीधे सीधे सरकार जो है वो वसूली कर रही है कंपनियों से, बिजनेस पर्सन से। जो मोदी जी कहते थे ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा भी रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं। राहुल गांधी ने पटना पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को कानूनी रूप देने का काम कर रही है, जनता देख रही है कि किस तरह से पहले कंपनियों पर ईडी सीबीआई के रेड डलवाए जाते हैं और उसके बाद उससे चंदा लिया जाता है। सब कुछ साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने का काम कर रही, ये भी देख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बात मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसको देखने के बाद लगता है कि मोदी जी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। जरूरत नहीं है, उसमें त्रुटि है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राहुल जी ने ये कहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है मिलने से मना कर दिया, मिलने का टाइम नहीं दिया। कन्हैया जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से जो डेटा सामने आया है, सबसे ज्यादा उसमें देखा जा रहा परसेंटेज भाजपा का है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो समझने वाली बात है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंद हो जाता है। यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि भाजपा का मॉडल ये है कि ये भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिए हैं। इनका कानूनी रूप देने का तरीका ये है कि सिंपल, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो भाजपा को पैसा देता है, उसका धंधा चलता है, उसकी राजनीति की दुकान चलती है। जो भाजपा को चंदा नहीं देता है, उसका बिजनेस नहीं चलता है। तो ये सीधे तरीके से जो है खुली लूट है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक्सटोर्शन बॉन्ड है। ये सीधे सीधे सरकार जो है वो वसूली कर रही है कंपनियों से, बिजनेस पर्सन से। और जो मोदी जी कहते थे ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा भी रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा अब जाने दीजिए, फिर बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट हो गया है, सब सेट हो गया है। कांग्रेस कितनी सीटों पर कंटेस्ट करेगी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्या लगता है? वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेल मिलने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जब मुकदमा ही फर्जी था तो बेल मिलना ही था। आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, लोकसभा चुनाव की, क्या कहेंगे सर? होने दीजिए घोषणा, चुनाव की घोषणा। एक मिनट भाई, चुनाव केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? किनको मिल गई बेल? केजरीवाल जी को आज बेल मिली है ना? मिली, हाँ जी। तो जो है बेल की जरूरत ही नहीं थी, मुकदमा ही गलत है। अच्छा, बिहार में सियासी उलट पुलट खूब हो रहे, नीतीश कुमार उधर चले गए, पर कहा जा रहा है कि अब जेडीयू में भी टूट हो सकती है। अच्छा, नेता लोग अलटते पलटते रहते हैं, जनता का जो है ना सरकार पलटना अभी बाकी है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि जल्द ही शेयरिंग हो जाएगी, सब कुछ तय हो गया है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।